ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਿੱਚਾਤਾਨ ਆਣਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬੜੈਂਕ ਨੂੰ ਸਨੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਟ वो फैक्टर इतने नहीं चलना हर बंदे दी इच्छा ये है भी मैं डिंपी ढिल्लों सीधा जानता होव सीधा फोन करा तो सीधा डिंपी ढिल्लों चके कैप्टन अमरिंदर सिंह गुड एडमिनिस्ट्रेटर प्रकाश सिंह बादल दी बेस्ट नवजोत सिंह सिद्धू आउट ऑफ डिक्शनरी चरणजीत सिंह चन्न निल राजा बड़ा नो वेयर इन माय डिक्शनरी भगवंत मान सत श्री अकाल जी तुसी देख रहे हो आर एम पी टैलीविजन मैं रतनदीप सिंह तालीवाल पंजाब दे विच वोटां दा माहौल बहुत ही गरमाया होयागा पर जे असी मालवे की गल करते हैं खास करके असी उह हलकियां दी गल करते हैं जिहड़ियां हॉट सीटां आईआं जिथे मुकाबले सियासत दे भी ने पर कुछ ना कुछ जिथे मुकाबले अपने घरेलू भी आ जाते परसनल रंजिशा आ जांदियां आईआं इदा दी ही एक सीट आ गिदड़बाहा हलका जिथों चोण मैदान दे विच ने मौजूदा एम एल ए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते उहनां दे जिहड़े सियासी विरोधी ने हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों 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 साहब अज साडे नाल मौजूद रहणगे करांगे गल्लबात ढिल्लों साहब स्वागत है सत श्री अकाल सर सत श्री अकाल जी किवें लगदी जी हलके दी स्थिति बहुत चंगी लग रही है अच्छी लग रही है बड़ा लोगों का प्यार मिल रहा जी तो जिहड़े भी नगर के जाने जी लोग बादल साहब दियां पुरानियां नीतियां याद करते हैं जी बादल साहब का राज याद आउंदा अच्छा सी ते बड़ा मान सत्कार दे रहे हैं और बड़े उतावले आ कि कदों 20 तरीक आवे तो कदों असी वोटां पा के दुबारा बादल साहब नूं लैके आईए पर चन्नी साहब कह रहे हैं 111 दिनां दे विच काम ही बड़े करते वो तो 20 तरीक सब पता लग जूगा चन्नी साहब के कहने तो कुछ नहीं होंगे जी वो तो 20 तरीक पता लगेगा ना जी जो वोटा पे 10 तरीक न सारा कुछ सामने आ जूगा जी एम एल ए गिदड़बाहा की गल करते हैं जी कैबिनेट मंत्री रहे ने जी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी कि लगता गा वो कहें भी साड़ी सीट भी यह क्लीयर आ मजोरिटी सानू आऊगी असीं धक्केशाही बंद की है खास करके तुहाडे परिवार का नाम लैके भी कहें भी ढिल्लों परिवार की जिहड़ी धक्केशाही सी बंद की है ओके असी तो भाई साहब कदे कोई कीती नहीं धक्केशाही ये जेडे मैं वोट मिल रही है मिली इस गल ते रही है जी एक शरीफ होने के नाते इमानदार होने के नाते जिहड़ी गल कह दां उस गल ते खरा उतरना ये सारिया मेरे वोट बैंक दे विच सारिया गल्लां शामिल आ भाई साहब किसते भी मेरी नैगेटिविटी नहीं भी असी कदे किसे ना भी धक्का किया हो इस गल से तो मैं वोट मिल रही है तो वह भाई साहब पता नहीं किहड़ी गल तो कह रहा जी इन्होंने धक्केशाहियां कीतियां धक्केशाहियां तो उल्टा उन्होंने कीतियां तुसीं किसे पिंड चों जाके पुछ लो भी परचे दर्ज आ जी हरेक पिंड च एक दिन असीं उन्हां दा इंटरव्यू करन आए सी छत्याणा पिंड उह भाषण दे रहे सी उत्थे उन्होंने कहा भी जदों दा कोड ऑफ कंडक्ट लग्या गा उदों एक दिन तुसीं बसां भी बंद कराउण आईआं धक्के नाल कोई इदां दी गल्लबात हुई आ हल्के दे विच असीं क्यों बंद करावांगे बसां बंद पता नहीं एवं गल्लां बना बना छड्डी जांदे आ जी मैं क्यों बसा बंद कराऊंगा जी मैनूं किहड़ा बसा बंद बसा बंद तो इन्होंने कराईआं सी जिहड़ियां माणयोग अपना हाई कोर्ट ने चढ़ाईआं साढ़े परमिट एक्सपायर करते वो इन्होंने दोबारा रिन्यू करवाए माणयोग हाई कोर्ट ने असी क्यों किसी की बसा बंद करावे जी सानू की लोड़ पई है बसा बंद कराने की बड़े लोग एक होर भी चर्चा चल रही है सच सच दस्यो एक अज ही मैं रस्ते दे विच आ रहा सी मैनूं किसी ने पुछा भी किहदी इंटरव्यू करन जा रहे हो तुहाडा जिक्र होया बड़े लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं भी कितने ना कितने जिहड़ियां दो पार्टियां दी जां दो परिवारां दी सैटिंग भी चल जाती अंदर खाते समझौता भी होया सीट नूं लैके कोई ना कोई मनप्रीत बादल दे नाल किहदा जी अकाली दल दा भी असीं बठिंडा सीट सड़दे हां तुसीं इधर दीआं वोटां इधर पवा दो गिदड़बाहे वालीआं इदां दीआं जिहड़ियां चर्चावां चलदीआं की कहना चाहोगे 1% भी कोई इहो जी गल नहीं देखो फैमिली रिलेशन साढ़े है सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब ना मेरे आपदे भी है असी बोलते चलते हैं एक दूजे के दुख दुख सुख के शामिल होंगे हाँ पर पार्टीबाजी
तो उपर उठ के जिथे पार्टी का सवाल आ जाता वो आपदे कांग्रेस गौरमेंट ना अपना कांग्रेस पार्टी नाल वफादार आ। मैं श्रोमणी अकाली दल नाल वफादार हाँ, ये कदे भी नहीं होया भी वो मेरी हैल्प करनी या मैं उन्हां दी करा, दैट इज़ इम्पोसीबल। ये देखो जी जदों किसी बंदे नूं आपदी हार दिखती है ना जी सामने आउंदी तां फिर वो हार दा ठिकरा किसी ना किसी दे सिर ते तां फिर भन्न के ही बंदा निकलदा ना। पंज साल दे तां उन्होंने विरोध कोई किया नहीं, इन्हां दे नाल रहे, इन्हां दी मदद की, बंदे आपदे सारे नाल तोरते। हुण इह तां फिर इन्हां दी नलैकी है ना भी जिहड़े बंदे इन्हां कोल नहीं खड़ रहे। जिहड़े इस नगर की मैं गल करदा इत्थों दे सरदार सुखमंदर सिंह सरपंच साहब आ जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ कट्टड़ कांग्रसी बंदे सी, उह तां सरदार मनप्रीत सिंह बाल साहब वेले भी उल्टी हुंदे सी। मैं उन्हां नूं 30-35 साल तो जानदा, कदे उन्होंने अकाली दल नूं वोट नहीं पाई अज तक, हमेशा उल्ट रहे आ। ते कल वह भी छड्ड गए इन्हां नूं, वो बाल साहब की मैं सैटिंग करके मैं छड्ड के गए आ जी। नीटा गर्ग अपना गिदड़वे का टकसाली कांग्रसी जिन्हों कह दें जी 70-80 साल तो कांग्रसी आ, वो छड्ड गए इन्हों, उन्होंने बाल साहब ने कहा भी तुम इन्हों छ के आ जाओ। मुंडा भिंदर आ जी कोट भाई का, कदे जम के उन्होंने अकाली दल नूं वोट नहीं पाई, वो छड्ड गए इन्हों। उन्होंने सरदार मनप्रीत सिंह बाल साहब ने आख्या भी छड्ड दे रहे हैं एमपी जी, कारण पुछ रहे हो की कारण इन्हां दी नीतियां गलत है जी। कुछ तो देखो कांग्रेस ने किसी के पल्ले कुछ नहीं पाया, पहली गल। दूजी गल एमएलए साहब का जिहड़ा अपना मिठा सुभा, बाकी वह काम कर दिंदा, दोनों गल्लां रलदियां। पिछली बार भी मिले भी कहा राजनीति एक अपनी थां ते ठीक हुंदी आ, पर जदों राजनीति दी जिहड़ी भाषा गी उहदा पद्धर डिगदा गा, तुसीं भी इह गल मन्नी सी भी हाँ मैनूं दुख बड़ा हुंदा गा जदों इह चीज़ां दा पद्धर डिगदा गा, तुहानूं लगदा गा भी इस चीज़ों का नुकसान भी कितने ना कि आम आवाम के कन्नी भी जाता गा, वो तुहाडी पार्टी नूं भी ते विरोधियों की पार्टी भी नुकसान होंदियां इहदियां चीज़ां पार्टी लैवल ते नुकसान हो जाते हैं। भाई साहब जिहड़ा मेन कैंडीडेट हुंदा ना वैल्यू उहदी हुंदी आ, सारिआं नूं तुसीं एक अपना मुट्ठी दे विच नहीं बंद कर सकदे जी। किसी का सुआग किवें आ, किसी का सुआग किवें आ, कोई थोड़े वर्गा भरा मैनूं बड़े तिखे क्वेश्चन पुछण लग जांदा ते कोई नरम पूछ लैंदा, हुण मैं सारे प्रेस वाले इक्को जिहे ते नहीं ना कह सकदा। मेरा सुभाअ होर टाइप का, सनी का सुभाअ होर टाइप का, मेरे फादर का होर टाइप का, मेरे मदर का होर टाइप का, हर बंदे दे सुभाअ वक्खरो वक्खरे आ। इस करके तुसीं मैनू प्लीज़ काइंडली इहदे च ना इंटेंगल करो, वह बोलदा उन्हां दी आपस में लड़ाई आ, मैं लेकिन इस गल दे हक च नहीं गा। मैं सनी नूं भी लड़दा अज भी तुहानूं यही गल कहना ते उहनूं भी मैं यही नसीहत दिंदा भी लड़ाई अपनी कल्ली मुद्दियां दी आ, पार्टी दी लड़ाई आ, उदू बाद कोई लड़ाई नहीं जी। पर ना वो छड़दा ना वो छड़दा, छेड़दा पहला वो आ, इन्ना क मैनू पता। कांग्रेस पार्टी दे मंत्री जी ने पहला वादा किया, फिर उन्हें जवाब देता, फिर उन्होंने तो जरै नहीं आता, हूँ इस गल का की इलाज करिए। डिंपी जी जो मुद्दे की गल करते हैं हस्पताल लैके बड़े बड़े दावे कर दी वड़िंग फैमिली भी, असी हस्पताल पहला डॉक्टर नहीं होंगे सके, असी डॉक्टर मुहैया कराते, बहुत वधिया हॉस्पिटल बनाता असी गिदड़ बहे दा, तुसी किवें देखदे हो वधिया बनिया हॉस्पिटल? हॉस्पिटल दे विच जाके भाई साहब किसे नूं पुछ लिओ, किसे डॉक्टर नूं जी भी तुहानूं कौन लैके आया, मैं मान लूंगा ठोकिया दा भी, मैं एक भी डॉक्टर नहीं लैके आए, नॉट ईवन ए सिंगल, सारे मेरे लिआंदे वे इहनां दे राज वेले भज्जे आ। चंगे चंगे डॉक्टर साडा हॉस्पिटल छड्ड के भज्ज गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚੱਕ ਵੀ ਆ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਜੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਜ਼
ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਫੱਟੀ ਚੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੱਟੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਫੱਟੇ ਚੱਕੋ। ਬੀਪੀ ਜੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਚੱਕਣਗੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੈਵਰ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਗਿੱਦੜਵੇ ਲਈ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਆਰਟਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਟਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਨੀ ਜੀ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਵਿਆਹ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ, ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਟ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੋਟ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੈੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਹਰੇਕ, ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਖਾਸ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਆਪਦਾ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਖਿੱਚਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ
तैयारी तो हरेक अगेंस्ट ही होंगी है, बट तू हो सकता कल स्ट्रोंग हो जाए आम आदमी वाले मे बी, क्योंकि इतनी जी वोट पैंती है ना भाई साहब, थोड़ी जी नैगेटिव वोटिंग ज़्यादा होंगी है, पॉजिटिव वोटिंग बहुत घट होंगी है, नैगेटिव ज़्यादा होंगी है। नैगेटिव मीनस भी जेडे जिन्होंने एंटी इनकमेंसी कह दें भी कांग्रेस पार्टी तो दुखी है लोग, वो कुछ मेरे नाल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तर लोग आ जो मेरे नाल ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ उन्होंने जो आम आदमी से जा रहे हैं, वो जेडे आम आदमी से जा रहे हैं हूँ किन्ने जा रहे हैं, कई तो ओपनली आ जाते हैं, कई चुप करके पाए होंगे, हूँ जो ओपनली आ गए वो तो अपने काउंटेबल आ, जेडे अंदर खाते जाके पाए होंगे चुप करके उन्होंने कोई पता नहीं लगता कि पाए। एक गल हो रहा जी आम करके सत्था के चलती है भी इदा करके जो एक बंदा एम एल ए होंगे गा उदो उदी शख्सियत होर होंगी है, जो वोटा च हारिया होंगे होर होंगी है, पर जो मिनिस्टर बन जाता उदो होर होंगी है। जे तुहाडे एम एल ए साहब की असी गल करिए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की, तुसी एज आ पोलीटिकल लीडर या उन्होंने ओपोजिट लीडर तुसी की महसूस करे भी जो वह एम एल ए सी वो इदा सीगे तो जो वह मिनिस्टर बनते या ट्रांसपोर्ट महकमा आता तो इन्ने बदल गए। वैसे तो उन्होंने देखो जी मैं नहीं कहता, ये लोग कहें इस हल्के नेचर कोई बड़ा लोगों जचया नहीं पसंद नहीं आया, पहला भी कल एम एल ए वेले भी नहीं आया, तो जो उनके मंत्री बने उदू बाद जमे नहीं, उदू बाद लोग ये समझ लग पे भी बड़ा अहंकार जिमें एक बंदे आ जाता होंगे ना, मंत्री बन के आपदे आप बड़ा महान समझ लग जाना, वो इस टाइप का नेचर उन्हों का लोगों देखने को मिले, इस करके लोग थोड़े 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 करके उन्होंने तो पिछे हटने स्टार्ट हो गए। जे कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी अज अनाउंसमेंट हो रही है, जदों तक अपना इंटरव्यू खत्म होना शायद अनाउंसमेंट हो जाए, उन्होंने अनाउंस कर दी है सीएम फेस, तो लगता है एससी वोट के उ फर्क पो कोई ना कोई फर्क नहीं। लोग एक्चुअली जी हूँ 13 दिन तो रह गए सारे भाई साहब इलेक्शन, लोग हूँ तो जिते सैट होने से हो गए, दे आर ऑलरेडी सैटल्ड। राजनीति डंपी जी बदल गई, सच सच दस्यो कुछ बदलिया राजनीति दे विच के उमी चलता जिमें किसी भी संदर्भ तो भाषा वाली चलो मैं गल नहीं करूँगा, तुम कहो फिर उत्थे आगे किसी भी संदर्भ चो तो लगता एक सीरीयस क्वेश्चन आ शायद सूँ पहला भी नहीं होया होगा, तो कदे कल बह के सोचते हो गए चलो तुम 5 साल रहे हो लोगों विचरते रहे हो, जो बंदा जित जाता पावर के होंगी सरकार फिर समा होर हिसाब न लंघता, सोचा भी राजनीति बदली कि नहीं उत्थी खड़े ने लोग काफ़ी बदले, बड़े लोग अवेयर होए आ, सोशल मीडिया ने बड़े अवेयर करते। हुण अगे की हुंदा सी ना जी, अगे एक बंदा जिहड़ा मेन आपां कोई मोढ़ी ला दिंदे सी ना जी, ओह ही सारे नगर नूं पिंड नूं कंट्रोल कर लैंदा सी जी। हुण हर बंदे दी इच्छा ये है भी मैं डिंपी ढिल्लों नूं सीधा जाणदा होवां, सीधा फोन करां ते सीधा डिंपी ढिल्लों चक्के, विच ना कोई होवे। हुण इस टाइप की ये डे बाय डे बड़ी टफ हो जाती है राजनीति, और हर बंदियां दे इन्ने क काम आ कि समझ नहीं आता भी किवें 100% इन्हों सैटिस्फाइड करावे। लीडर लई किन्ना औखा गा, बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। देखो सांझे काम करवाने बहुत सौखे आ, परसनल सैटिस्फैक्शन करवानी बहुत औखी है हर बंदे दी, जिहड़ा ये चीज़ कर गया परसनल सैटिस्फैक्शन करा गया वो बंदा अगे आउंदा, अजकल दूजा नहीं अगे आउंदा। हाँ ये बड़ी जरूरी है जी परसनल सैटिस्फैक्शन हर बंदे दी। जांदे जांदे मैं कुछ क लीडर के नाम लूँगा, थोड़े को भी समा घट्ट, मैं चाहूँगा भी एक शब्द के उन्होंने बारे की सोचते हो दस दौ। सब तो पहला नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। प्रकाश सिंह बादल, ऑलराउंडर द बेस्ट। नवजोत सिंह सिद्धू, आउट ऑफ डिक्शनरी। चरणजीत सिंह चन्नी, निल। भगवंत मान, सोचन लग गया पंजाब नूं इंसाफ नहीं दे पाऊगा, है अल्फाज नहीं मिल रहे सी, मन गल दे विच मन च गल क्लीयर सी, पंजाब नूं इंसाफ नहीं दे पाऊगा, ही वोंट बी एबल टू कैरी ऑन। 6 महीनों तो बाद नहीं कटता जे अगर ये बनता, अबल तो बनता ही नहीं, बन गए सरदार सुखबीर सिंह जी बाल साहब, जे बन भी गए 6 महीनों तो बाद नहीं कॉन्टीन्यू कर सकते। लास्ट नाम राजा वड़िंग, नो वेयर इन माई डिक्शनरी।
ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਧੰਨਵਾਦ